ये 18 मीटर वाइड रोड बी और ए को कनेक्ट करती है, जो कि जा रही है नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड की तरफ। तो ये जो बड़े बिजली के खंभे देख रहे हैं नॉर्दर्न पेरिफेरल के साइड में, ये चलते हैं ग्रीन बेल्ट पर, ये रहेंगे जहाँ जहाँ ये खंभे हैं वहाँ वहाँ नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड जा रही है। अभी ये बी में देखिए, अभी एक भी घर नहीं बना है यहाँ पर, यहाँ वर्क चल रहा है सीवर का। तो ये प्रेजेंट सिचुएशन देख रहे हैं हम, फ्लाईओवर कब बनेगा कब नहीं बनेगा कुछ कह नहीं सकते, बनेगा उम्मीद करते हैं जल्दी ही। ये 45 मीटर वाइड रोड नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड है, उसके बराबर में ये बड़ा टंकी वाला पार्क है। अगर आप मैप में देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कौन सा ये टंकी वाला पार्क है। ये बड़े बड़े बिजली के खंभे जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ वहाँ नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड है, ये आप इससे पहचान कर सकते हैं। और ये आगे जा कर के रोड 100 मीटर वाइड रोड में मर्ज होगी, जैसे कि लेआउट प्लान में है, और फिर वो सड़क चली जाएगी डासना। तो ये नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड एक तरफ लोनी जाती है, जो कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे से कनेक्ट होगी। अब देखिए इस पर, यहाँ पर ये रोड़ी रखी हुई है नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड पर, तो उम्मीद करें कि जल्दी ये सड़क भी बने। मधुबन में आपको ये जगह जगह इस तरीके की खेती दिख जाएगी। ये चल रहे हैं गोल चक्कर की तरफ, अगर आप मैप में देखेंगे तो गोल चक्कर के चारों तरफ कमर्शियल है, और गोल चक्कर के राउंड अबाउट के पास में ही सी ब्लॉक है। जो बड़ी पीछे बिल्डिंग देख सकते हैं आप, वो सी ब्लॉक की हैं। ये देखिए यहाँ पे जगह जगह इसी तरीके की खेती, जैसे कि आपने पहले देखा ये गोल चक्कर के तरफ। यहीं से सड़क जा रही है रेलवे फाटक की तरफ, जहाँ से सारा ट्रैफिक चल रहा है। मेरठ रोड पे चलेंगे इस तरफ से। अगर आप तुरंत घर बनाना चाहते हैं तो ई और एफ या फिर डी ब्लॉक, जहाँ पर कि घर बन गए हैं और लोग रह रहे हैं। ये है 60 फुट की सड़क जो जा रही है फाटक की तरफ। अब मैं गोल चक्कर से फाटक की तरफ चल रहा हूं, तो मेरे उल्टे हाथ पर पड़ता है ए और सीधे हाथ पे पड़ता है बी। ये ए में भी वर्क हो रहा है। सड़क देखिए इस तरीके की, सड़कें बन रही हैं, लेकिन ये इस वक्त ए ब्लॉक। यहां पर हाई राइज बिल्डिंग के प्लॉट है। जब फाटक पे ट्रैफिक है, क्योंकि अब सब लोग इधर से ही एंट्री कर रहे हैं गोविंदपुरम स्वर्ण जयंतीपुरम की तरफ। देखिए लेटेस्ट सिचुएशन है इस वक्त ए ब्लॉक की। देखेंगे आप, ये एक पार्क है बी में, जब आप फाटक पार करेंगे तो आपको ये पार्क दिखेगा, अमृतवन वाटिका। कितना डेवलपमेंट होगा मधुबन बापूधाम में, ये तो आप आकर के खुद भी डिसाइड कर सकते हैं। जिस तरीके की यहाँ पे सड़कें हैं, क्या यहाँ पे ग्रोथ रहेगी। ये फाटक पार कर दिया है मैंने मधुबन बापूधाम से, फाटक पार आ गया हूँ मैं मेरठ रोड की तरफ, और सीधे हाथ पे पड़ेंगे इंडस्ट्रियल प्लॉट्स। ये देखिए ये इंडस्ट्रियल प्लॉट्स हैं, ये सीधे मेरठ रोड की तरफ। अभी यही रास्ता है, अगर आप मेरठ रोड से मधुबन पर आएंगे तो रेल के फाटक से आपको यही रास्ता है।